कोई नहीं तवज्जो देता सिवाय मेरी बहू के। बहू जो है मेरी, मेरी सुबह उठ के बेचारी पूछती थी मुझे नाश्ते के लिए। अक्सर इनको सुबह उठती थी, नाश्ता बना के देती थी, तो मुझे मना कर देते थे कि नहीं आप जाए आप अपने हस्बैंड से नाश्ता बना। क्या खिदमत लूं इससे? चाचा सुबह ही निकल जाते थे बगैर नाश्ते के। चार बजे तो आके सोते थे, बुटीक क्या चार बजे तक चलती है? तो कराची में इसी तरह होता है, आपको पता ही नहीं। आप कतर में रहे, आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? जैसे हम भी सुबह जाते हैं अपने जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं अपनी, हम भी सुबह उठकर जाते हैं जॉब पे अपनी, हम सुबह आठ बजे जाते हैं जॉब पे अपनी। जो मैंने घर का हाल देखा ना, खून के आंसू रोया हूँ कि मैंने अपने 25-30 साल वहाँ क्यों गुजारे। जैसा बहाना इनको शादी करनी थी, इनको शादी करनी थी, गलत बोल रहे हैं। मेरी कम तालीम याफ्ता थी, मेरी गलती थी कि मैंने सारा ट्रस्ट औलाद के मुस्तकबिल का इस औरत पे किया जो नायन थी। जैसा जो भी प्रॉपर्टी बनाई के पैसा खाते, जैसा डैडी ने जो भी प्रॉपर्टी बनाई, 25 साल ये बाहर रहे, इनसे पूछे ये साल में एक बार चक्कर लगाएंगे और वो नाहिल औलाद ही वो घर बेटा आगे देखा ना मैंने, क्या है क्या तालीम है तुम्हारी? इंटर, उसकी क्या तालीम है? वो भी इंटर ही अभी आगे पढ़ रहा है। आप करने तुमने क्या किया? नहीं है आपका तो उसको पता। तुम्हारे पास पैसे की कमी थी, तुम्हारे पास तरबियत की कमी थी, तुम इंटर से आगे क्यों नहीं पढ़े? बुटीक बाप की दुकान दिख रही थी, किराए पे किराए पे थी, खाली कराके मैं बड़ा बेटा था, मैं भी अगर पढ़ाई में लग जाता इस घर के कैसे चलाते? और ये तो साल में एक चक्कर लगाते थे, तो साल में एक चक्कर लगाए इस घर के घर देखना पड़ेगा। बात कर रहे हैं ना, खामोश मना करके मुझे नहीं आना, मुझे नहीं लेके जाए आप हमारे महफिल में आ चुकी हैं, आप हमारी फैमिली में आ चुकी हैं, नहीं मैं मानते ही नहीं इनको अपनी फैमिली का। अच्छा हो गया, और यकीन कीजिए मैं खुश हूँ इनके यहाँ आने से, कम से कम एक मुनसिफाना फैसला तो मिलेगा, मेरी रोज की घर की चिक चिक तो खत्म होगी। हाँ तो आप हमारी तरबियत नहीं करना चाहते ना, आप तो प्रॉपर्टी के लिए शादी क्या कर ली? सबसे ज्यादा इशू जायदाद, मैंने कोई जायदाद ना उन्हें दी, उनका जो माकूल अखराजात है मैं उठाने के लिए तैयार हूँ आज। माकूल अखराजात जज साहब 30,000, नाजायज अखराजात मैं नहीं दे सकता। जज साहब सारी जायदाद का किराया नहीं दे रहे, जज साहब ये खा जाए बिठा कर बात की थी। कौन सी अयाशियां? अयाशियां तो आप आई हैं बेटा, अयाशियां करने तो आप आई हैं। खामोश, माँ है तेरी, बदतमीजी नहीं कर। मैं नहीं मानता इनको, माँ हमारी माँ नहीं है, मेरी माँ है। तरबियत है जज साहब, ये तरबियत है, तरबियत अच्छी है जज साहब। मैं क्या सोचा कि बाप फिर मजदूरों की तरबियत करती होगी या औलाद कितनी तकलीफ दे उस बात से जिसने सारी जिंदगी मेहनत की इनके लिए, अपने लिए नहीं की इनके लिए की, और इन्होंने आके कोई रिजल्ट नहीं दिया। रिजल्ट दे तो रहे हैं आप, रिजल्ट देने रिजल्ट दे रहे हैं मुझसे मेरी जायदाद मांग रहे हैं कि मैं तुम्हें जायदाद दे दूं। इस उम्र में साल दो साल में खा के तुम पे इस उम्र में कोई शादी करता है? साथ है ना, ये जायदाद का असल इनका है, ये चाहती है आपको, ये कुछ नहीं चाहती। अच्छा जायदाद मेरी है, मैंने फैसला कर लिया, आपने मेरी कमाई है वो, इस उम्र में ये आपके हुस्न पे फिदा हो गए। आप जवानों कमा के खाओ, आपको बाप नहीं चाहिए, बाप नहीं चाहिए, शफकत नहीं चाहिए, आदमी से करती है आप अपने डैडी से? क्योंकि क्या देखा है इनसे पूछे, अपने उम्र के देखा क्या है इन्होंने? इंश्योरेंस पॉलिसी और प्रॉपर्टी, बस ये नजर है आप देख रहे हैं कितनी गहरी निगाह। इंश्योरेंस पॉलिसी, बाप बड़े इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं देखता हूँ अबे जिंदा हूँ मैं, ये आप अपनी बीवी को समझाएं जिनको आप लेकर आए हैं बीवी के नाम पर। बीवी को छोड़ो, जायदाद की बात करो यार, बीवी जायदाद की बात नहीं कर रहे आप, समझिए जज साहब, हम मां नहीं मानते इनको, हमारी मां है। इस उम्र में इनका ख्याल करना चाहिए था, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मैं दवा वगैरह मैं लाता हूँ, इनका घर में होना ना होना एक ही बराबर होता है। जज साहब आप यकीन करें, बड़ी अच्छी रफाकत रही मेरी मेरी पहली बीवी से आज तक है, मगर इसके बेढंगापन ने मेरी औलाद को बिगाड़ दिया।